नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। साथ ही आप सभी को महालय अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवती का प्रादुर्भाव हो गया है, मतलब आज भगवती का आगमन हो गया है। अगर ये अधिक मास ना लगा होता तो कल से प्रतिपदा होने के साथ भगवती दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती। ये जो अधिक मास हम लोगों को मिला है, ये एक चमत्कारी अवसर है। इसमें हम वो साधनाएं पूरी कर सकते हैं जो एक व्यक्ति आम नवरात्र में नहीं कर सकता है। आज मैं आपको चंडी की एक ऐसी ही गुप्त साधना दूंगा। जब हम चंडी कहते हैं तो माँ भगवती देवी चंडी माँ आद्या का वो स्वरूप था जिसने महिषासुर का वध किया था। दुर्गा भगवती माता का वो रूप है जिसमें उन्होंने दुर्गम राक्षस का वध किया था। तो चंडी की साधना आज से 41 दिन तक हम करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो युवों के कारण जो साधना का समय घट गया कलयुग में, उसको हम उसका हम भरपाई कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए होगा? आज रात से साधना शुरू करना है। सिर्फ आपको चाहिए एक दीपक घी का, 5 अगरबत्ती और नवेद में कुछ भी, जैसे कि गरी हो, काजू हो, किशमिश हो। इस विधान से हम अगले 11 दिन तक पूजा करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9-9 दिन बटेगा। ठीक है, और हर 9 दिन पर एक सामग्री बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे पहले 9 दिन धूप दीप नवेद हम देंगे। ठीक है, उसके बाद जब 12वें दिन हम पूजा करेंगे तो उसमें अग्रु देंगे भगवती को। उसके बाद फिर 23वें दिन जब हम पूजा करेंगे तो उसमें जल में चंदन मिला के भगवती को देंगे। ठीक है, और फिर जब अगली बार पूजा करेंगे तो सारे सामग्री के साथ करेंगे और उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। जब नवरात्र शुरू होगा तो भगवती के घट की स्थापना करेंगे। घट स्थापना कैसे करेंगे? थोड़ा सा चावल रखेंगे, उसके ऊपर एक तांबे का कलश रखेंगे, कलश में थोड़ा चावल और डालेंगे, एक सुपारी, एक पान, एक सिक्का, आम का पल्लव ऊपर से ढक देना है, फिर एक लाल कपड़े में एक नारियल को जिसकी टीक निकली हो उसको, टीक को भगवती के तरफ करके आपको रख देना है। तो ये आपका नवरात्र में कलश की स्थापना हो जाएगी। मंत्र जो आज बताऊंगा यही मंत्र आपका नवरात्र तक चलेगा, पूरे 41 दिन तक चलेगा। ठीक है, 9-9 दिन के अंतराल पर आप पहले बार पहला विधान 11 दिन चलेगा, उसके बाद 9-9 दिन के अंतराल पर आप इसको बदलेंगे और अंत में जब नवरात्रि आएगी तो उसमें पूर्ण सात्विक भाव से इस साधना को पूर्ण रूप से करना है। जो दुर्गा का मैंने पूजा विधान दिया है उस विधान के साथ करेंगे। तो करना क्या है, एक छोटी चौकी ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। ठीक है, रोली लीजिए अपने रिंग फिंगर से, उस पर भगवती का बीज अक्षर लिखिए। क्या लिखिएगा? ह्रीम लिखिएगा बीज अक्षर। एक बार भगवती का जब बीज अक्षर आपने ह्रीम लिख लिया, उसके ऊपर अगर भगवती की तस्वीर है तो तस्वीर, या फिर एक पुष्प समर्पित करके भगवती को बोलेंगे, हे भगवती दुर्गे, हे भगवती चंडिके, इति आगच्छता इति तिष्ठता। ठीक है, इतना करने के बाद चंडी को प्रणाम करते हैं। चंडी का प्रणाम मंत्र आप लोग सब जानते होंगे। चंडी का प्रणाम मंत्र एक बार बोलना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब सर्व मंगल मांगल्ये, जो मंगल का भी मंगल करने वाली हो, जो सबका अच्छा करने वाली हो, जो हर लक्ष्य को साध देने वाली हो, जो शरणागत को मुक्ति दिलाने वाली हो, जो तीनों लोक की जननी हो, जो गुरु के समान ज्ञान का की रोशनी फैलाती हो, जो कि परम ज्ञान तक पहुंचाती हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हे भगवती मुझे उस देव उस महा शून्य से मिला दो। ठीक है, तो ऐसा बोल करके आप पहले भगवती को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। इस मंत्र से भगवती को फिर प्रणाम करेंगे। इसका क्या मतलब होता है,
कि जो भी शक्तियां हमारे आसपास है, जो हमारे शरीर के बाहर है, उनको बनाने वाली, उनको पालन करने वाली और उनका नाश करने वाली वो सब तुम ही हो, और तुम, तुम्हारा ना कोई और है ना छोर है। मुझे उस महाज्ञान तक पहुंचाओ, मैं तुम्हारे सामने शरणागत हूं, मुझे महाशून्य से मिलाओ। ठीक है, और फिर एक प्रणाम करेंगे, शरणागत दीनानाथ परित्राय परायणे सर्वसाती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो भी आपकी शरण में आया है, जिसने भी आप, जो भी आपके शरणागत है, उसकी सारी चिंता और सारे दुख को आपने हर लिया है। आप हमें परम ज्ञान दो, आप हमें परम मोक्ष दो, आपके पास मैं शरणागत हूं, मुझे उस परम ज्ञान से, परम शून्य से मिला दो। ठीक है, इतना करने के बाद दुर्गा गायत्री का 24 बार हम जाप करेंगे। क्या है दुर्गा गायत्री? ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात। फिर से सुनिए, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात, और अंत में ओम जोड़ेंगे। ऐसे जब किसी का भी आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसके शुरू और अंत में ओम नहीं होता है, दुर्गा के गायत्री में शुरू और अंत में ओम होगा। तो ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात। उसके बाद 9 बार ओम ह्रीम श्रीम दुम दुर्गाये नमः, ऐसा बोल के भगवती के सामने साष्टांग हो जाएंगे। जब भगवती के सामने साष्टांग होते हैं तो कभी भी सीधे साष्टांग नहीं होते हैं, भगवती के दाहिने तरफ, मतलब आप अपने दाहिने तरफ और भगवती के बाएं तरफ साष्टांग होते हैं। कभी भी भगवती को सीधे प्रणाम नहीं करते हैं, तो ऐसा बोल के भगवती के सामने प्रणाम करना है। जहां भी आपने पुष्प रखा है, जहां आप मानते हैं कि भगवती को आपने आपने आवाहन किया है, उसके बाएं दाहिने तरफ आप ओम ह्रीम श्रीम दुम दुर्गाय नमः बोल करके दंडवत दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद मूल मंत्र का 11 माला जाप कीजिएगा। मूल मंत्र क्या है? चामुंडा का मूल मंत्र है, नहीं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच नहीं है मूल मंत्र, भगवती चामुंडा का गुप्त मंत्र है ओम ह्रीम चुम चामुंडायै स्वाहा। ओम ह्रीम चुम चामुंडायै स्वाहा, क्या है मूल मंत्र? ओम, ओम का मतलब होता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसमें सब ज्ञान समाहित हो वो ओम। ह्रीम, ह्रीम भी जो माया का होता है, माया का मतलब वो माया जो आपको शारीरिक माया से जो पर ज्ञान है वहां तक ले जाए। चुम, जो चुम बीज मंत्र है, वो है बीज उस शक्ति का जो जो भी चीज चलंत है उसमें बसती है और चल और अचल के बीच में जो समन्वय स्थापित करती है। चामुंडा, जो लोभ मोहन महामाया को काटती हो, लोभ मोहन महामाया रक्षत्वाम परमेश्वरी। ठीक है, उसके बाद चामुंडा यही बोलते हैं, तो यही जब लगाते हैं उसका मतलब होता है कि जो बहुत सारे वरदान देने वाली हो, और स्वाहा मुझे परम ज्ञान परम महादेव महाशून्य में मिला दो। ठीक है, तो ये है मंत्र, इसको आप लोगों को 11 माला जाप करना है हर रोज, और यही विधान आपका चलेगा जब तक नवरात्र नहीं आएगा। जब नवरात्र आता है तो आप लोग बस एक काम कर सकते हैं कि मंत्रों की संख्या बढ़ा देंगे। अगर 11 माला कर रहे हैं तो इसको 21 माला करेंगे। नवरात्र में इस विधान में एक चीज और होता है कि बहुत लोग एक नवरात्र में दीपक जलाते हैं, उसको देखते हुए एक बार सुबह और एक बार शाम 21-21 माला का जाप करते हैं। ऐसा करने से भगवती प्रत्यक्ष दर्शन देती है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन या अघोर में घुसने का जो पहला चरण है वो सीखना है,
तो वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉलमी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, और उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz या www.aghortantrahasya.com, उसमें अब लेख भी आने लगे हैं, अपॉइंटमेंट भी आप वहीं से ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी होने पर 9431188585 मेरा नंबर है। आप सभी को आदेश आदेश, अल्लाह आदेश।